यूपी के रामपुर जिले में अवैध खनन नहीं रुक रहा है। जिले के अहमदनगर पहाड़ी गांव में भू माफिया तालाब की सरकारी जमीन से अवैध कब्जा करके खनन कर रहा है। कई बार शिकायत होने के बावजूद भी प्रशासन इस पर कदम नहीं उठा रहा। किसान नेता उस्मान पाशा ने रामपुर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और इस मामले में खनन माफिया सहित भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है कि ये ग्राम पहाड़ी में गाटा संख्या 19 जो कि तालाब की भूमि है उसको पाटा जा रहा है। इस संबंध में हम पिछले लगभग 2 वर्षों से लगातार ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी सबको दे रहे हैं या श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को, लेकिन उन भूमाफियाओं की पहुंच इतनी बड़ी है कि जो उसको मतलब कहते हैं आज तक कब्जा मुक्त नहीं कराया गया। अभी पिछले 2-3 दिन से अवैध खनन करके उस तालाब को पाटा जा रहा है। इस संबंध में हमने तुरंत मतलब कहते हैं SDM सदर और तहसीलदार सदर इनको फोन पर सूचना दी कि इस तरह से जो है वो तालाब पाटा जा रहा है अवैध खनन करके। तो वहाँ पर हल्का लेखपाल, तहसील सदर के कर्मचारी जो भी हैं उसमें और सिविल लाइन पुलिस वगैरह का इसके जाकर छापेमारी भी की उन्होंने, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई है।